नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर के पापटा से, जहां फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर खुले में शौच की खबर प्रसारित होने के बाद आम जनता में जागरूकता देखने को मिल रही है। पापटा पंचायत समिति में जन सुनवाई में ग्रामीणों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से विधायक को समस्या से अवगत कराया, साथ ही खुले में शौच से मुक्ति के लिए ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर के भगवान त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला शुरू होने के साथ ही पूरे परवान पर है। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालु ने भगवान गणेश के दर्शन कर कुशल क्षेम की कामना की। कहा जाता है कि पूरे विश्व में त्रिनेत्र भगवान गणेश की ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिस पर भगवान गणेश के 3 नेत्र हैं। जयपुर के पावटा में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के गणेश मंदिर में श्रद्धालु भगवान गणपति के दर्शनों के लिए आए। लड्डू व चूरमे का भोग लगाया गया, प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर के समझड़ी जेठंदरी गांव में गणपति मित्र मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति गणेश चतुर्थी को रिद्धि सिद्धि के दाता को शुभ मुहूर्त में विराजमान कराया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर अपने परिवार की खुशहाली की कामनाएं की। वहीं गणपति मित्र मंडल द्वारा 501 बच्चों को प्रसाद का कार्यक्रम रखा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों व बच्चियों को प्रसाद वितरित किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में 3 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का समापन हुआ। यहां नरसिंह गणेश मंदिर में 5100 लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। यहां पर चल रही रामकथा के दौरान शिव पार्वती विवाह, हनुमान जन्म, राम जन्मोत्सव, रामचंद्र के विवाह प्रसंगों का वाचन किया गया। भीलवाड़ा के बिचौलिया में गणेश चतुर्थी पर सभी गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य गणपति की विशेष पूजा अर्चना व महाआरती कर मोदक का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। वहीं 2 दर्जन गणपति प्रतिमाओं की ढोल नगाड़ों व काजूबाजी के साथ शोभा यात्रा निकालकर कस्बे के विभिन्न स्थानों पर स्थापना की गई। अजमेर के विजयनगर में गणेश उत्सव के अवसर पर श्री सिद्ध गणेश मंदिर के तत्वाधान में एक विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भरतपुर के रूपवास उपखंड में गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कस्बे में गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भक्तों ने भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों एवं गणपति पप्पा के जयकारों के साथ नगर भ्रमण कराया। अरवल के भैरोड में 2 गुटों में फायरिंग से सनसनी फैल गई। बदमाशों से एक दूसरे की गाड़ियों के शीशे फोड़ डाले। पहले भी कई बार दोनों गुटों में गैंगवार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश चलते फायरिंग हुई है। मामला भैरोड के नांगलिया गांव का है। पिछले कई साल से जसराम गुर्जर और विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन के बीच गैंगवार चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही भैरोड पुलिस मौके पर पहुंची। सीकर जिले के जाचास गांव के पास एक दिन की नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवजात के रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। बच्ची को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों के अनुसार झाड़ियों में फेंके जाने के कारण नवजात को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब बालिका की हालत स्थिर बनी हुई है और वो खतरे से बाहर है। झुंझुनू की खेचड़ी में डेरा सच्चा सौदा में साध्वियों के यौन शोषण मामले में हरियाणा के पंचकुला सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। इसे देखते हुए प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर रखी थी। खेतड़ी डीएसपी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि हरियाणा सीमा से लगी मिहाड़ा चौकी पर वाहनों की सख्त तलाशी ली जा रही थी। गौरतलब है कि राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम यूपी में डेरा समर्थकों पर पुलिस ने निगाह रखी हुई है। जयपुर के कानोता में बगराना आगरा रोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 अधिकारियों ने कानोता के बगराना में पहुंचकर मिलावटी फैक्ट्री पर कार्रवाई की, जिसके चलते सड़े गले कद्दू और टमाटर सहित अन्य सब्जियों को इस्तेमाल में लिया जाता था। स्वास्थ्य विभाग की सेंटर टीम के अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री पर पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन फैक्ट्री संचालक उस कार्रवाई के बाद भी बराबर सड़े गले कद्दू से नकली सॉस बना रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल टीम ने मौके से करीब 800 किलो तैयार सॉस को जब्त कर लिया और फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया। भीलवाड़ा जिले के मंगरौप में शौचालय की दीवार तोड़कर गणेश प्रतिमा स्थापित करने पर उपजे विवाद में पुलिस ने 33 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेसी कर दिया गया। मंगरौप थाना प्रभारी मूलचंद ने कहा कि शौचालय की दीवार तोड़कर कीर समाज के लोगों ने गणेश प्रतिमा स्थापित कर दी। इसकी भनक लगने पर ग्रामीण जमा हो गया और उन्होंने कीर समाज की इस हरकत का विरोध शुरू कर दिया। झुंझुनू की खेतड़ी में पुलिस ने 10 दिन पहले हुए गोलीकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी जयपुर के चांदपुर से की गई थी। डीएसपी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि ढाणी डहरवाला में स्थित भैरव जी मंदिर में प्रसाद वितरण के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हो गया था, जिसमें हुई फायरिंग में पिंटू मीणा और इंद्रपाल को गोली लगी, जबकि 5 अन्य घायल हो गए।
वहीं हमलावर चंदे के 47,000 रुपए भी लेकर फरार हो गए। इस हमले के दो आरोपी संजय उर्फ संजू गुजर और संजय उर्फ बच्चिया गुजर को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी आदतन अपराधी है। नागौर के मेडता सिटी में एसीबी ने पटवारी को 10,000 की घूस लेते हुए धर दबोचा। आरोपी पटवारी रामदेव जाखड़ ढावा गांव का पटवारी था और उसके पास दत्तानी गांव का अतिरिक्त कार्यभार था। उसने दत्तानी गांव के रामनिवास और लिखवा राम से जमीन के नामांतरण के लिए 15,000 रुपए मांगे, जिसका सौदा 10,000 में तय हुआ। मेडता में प्रिंस सिनेमा में पास में टीम ने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में एक मंचले को स्कूली छात्रा को छेड़ना उस वक्त भारी पड़ गया जब छात्रा के परिजनों ने मंचले की धुनाई कर दी। बाद में उसे पाबंद करके छोड़ दिया गया। अब इस युवक का वीडियो पूरे जिले में वायरल हो चुका है। झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के साथ ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू होने लग गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही खामोश गुजर ने SDM कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। खामोश ने SDM को दिए गए ज्ञापन में बताया कि अध्यक्ष पद पर नामांकन करने वाला पवन गुजर दो बार अलग अलग जगहों पर एडमिशन ले चुका है। इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि खामोश गुजर के पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। जोधपुर के फलौदी में छात्र संघ चुनाव में खुलकर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। छात्रों द्वारा शक्ति प्रदर्शन के दौरान खुलकर नियमों का उल्लंघन किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। भीलवाड़ा के आसन में जैन समाज के 8 दिवसीय पर्यूषण पर्व पर आदि शांति जैन तीर्थ और लक्ष्मी शक्तिपीठ मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। उदयपुर के कोटड़ा में खुले में शौच मुक्त मिशन को पूरा करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत सरपंचों को हाल ही में रिलीज हुए फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म दिखाई गई। उदयपुर के कोटड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा विचार संघ के 2 वर्ष पूरे होने पर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर के कोटड़ा में शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया। भीलवाड़ा के आसंद के ग्राम बदनौर में भू माफियाओं की दबंगई के चलते चारागाह भूमि पर अवैध खनन जारी है। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को कई बार शिकायत के बावजूद भी खनन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कांकरवा में गुरुवार को 3 दिवसीय कोमल पथ पर शिविर का समापन हुआ। चित्तौड़गढ़ के अकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर बीजेपी अकोला मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं से PM मोदी की सभा ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की गई, तो वहीं पर मंडल के सभी पंचायतों में प्रभारी नियुक्त किए गए। भीलवाड़ा के बिचौलिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। इस मौके पर मालकाखेड़ा सरपंच प्रकाश शर्मा समेत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बिचौलिया में कार्यवाहक थाना प्रभारी की अध्यक्षता में CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणेश महोत्सव, तेजादशमी मेला, अनंत चतुर्दशी, जल झूलनी, ग्यारस, ईद उल जुहा के त्यौहार शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की गई। बैठक में गणपति प्रतिमाओं की स्थापना करने वालों को भी मूर्तियों की सुरक्षा स्वयं करने, ट्रिब्यूनल न्यायालय के मापदंडों के मुताबिक ही मूर्ति विसर्जन आदेश की पालना करने की हिदायत दी गई। खबर पंचायत में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर नागौर के पर्वतसर से, जहां इंद्र देवता की मेहरबानी स्कूली छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली। वहीं बारिश के बाद क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर के पावटा पंचायत समिति में विधायक फूलचंद भिंडा ने जन सुनवाई की। सुनवाई में विधायक को गर्मी ने निजात दिलाने के लिए चोरी की बिजली से कूलर चलाए गए। बता दें कि लंबे समय से पंचायत समिति परिसर में चोरी से बिजली उपयोग की जा रही है, जबकि पंचायत समिति
लगा मीटर शोपीस बन गया है। सराबाड़ की पिड़ावा उपखंड के रायपुर में ग्राम पंचायत की उदासीनता से कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। 6 वर्ष पहले बाउंड्री वाल के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन मामूली विवाद को पंचायत अब तक हल नहीं करवा पाई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। सराबाड़ की पिड़ावा में वर्षा की कामना को लेकर क्षेत्र में लोगों के जतन जारी है। कभी घसबैरू निकाल रहे, कभी उज्जैनी मनाई जा रही है। अब शिवलिंग को पानी में डुबोकर वर्षा की कामना की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक लगभग 17 इंच बारिश हुई, जो औसत से आधी है। भरतपुर के डींग राजकीय महाविद्यालय में नामांकन पत्रों की जांच में निरस्त हुए। नामांकनों के बाद में अध्यक्ष पद हेतु छात्र हिमांशु फौजदार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मानसिंह मीणा के अनुसार छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रोहिताश कौशिक और हिमांशु फौजदार ने नामांकन दाखिल किया था। भरतपुर के वैर लखनपुर पंचायत के गांव बगोरा में डिस्कॉम के भरतपुर एईएन और वैर जेईएन की अध्यक्षता में राजकीय विद्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें बिजली विभाग द्वारा ग्रामीणों के लिए निकाली गई नई योजनाओं एवं बिजली चोरी करने से होने वाले नुकसान पर चर्चा की समीक्षा की गई। कोटा के इटावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक त्यागी धर्मशाला में बीआरओ सरोज गुजर शिवजी राम मीणा के आतिथ्य में आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस को संगठित कर मजबूत करने पर जोर दिया गया और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कोटा के इटावा में नगरपालिका प्रशासन पहली बार एक्शन में नजर आया। पालिका ने बाईपास सड़क किनारे की करोड़ों रुपए कीमत की शिवायचक जमीन से जेसीबी की सहायता से 4 जगह से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पाली की रानी में सिरोही अजमेर इकाई द्वारा नए भारत का मंथन संकल्प से सिद्धि मुख्य कार्यक्रम का राजकीय विद्यालय रानी कला में आयोजन किया गया। मौके पर रानी प्रधान नवरत्न फूसाराम चौधरी, उप प्रधान किशोर सिंह पिलोवनी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी फूलचंद गहलोत सहित ग्रामीण मौजूद रहे। पाली की रानी में 7 करोड़ का लागत से नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय का शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया। समारोह में अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने नव भारत के निर्माण के लिए आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर उसको संस्कारवान बनाने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी व मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी ने भी संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ मौजूद रहे। पाली की रानी इधरवाड़ा कस्बे के भिवालिया जाने वाला रास्ते पर हनुमान जी की बगीचे के पास का रास्ता दुरुस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। वहीं जगह जगह खड्डे होने से ग्रामीणों सहित राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद के आमेठ में जैन समाज के पर्युषण महापर्व के 7वें दिन जैन समाज द्वारा आयोजित 1.25 करोड़ नवकार महामंत्र के जाप के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7वीं कनक प्रभा, 7वीं मनसा एवं 7वीं यशा के सानिध्य में 1126 लोगों ने 30 मिनट कार्यक्रम में 1,86,000 नवकार महामंत्र का जाप किया। वहीं पूरे भारत व विदेशों में 1.25 करोड़ मंत्र जाप लक्ष्य के मुकाबले 2,10,00,000 नवकार महामंत्र का जाप कर रिकॉर्ड कायम किया गया। बाड़मेर के समदड़ी के कांकराला के जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया सर्विसेज चैंपियनशिप में 50 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड मेडल जीता है। इससे राठौड़ के गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही जितेंद्र ने अपने पिता सूबेदार मेजर रेवंत सिंह राठौड़ का रिकॉर्ड समय 4 घंटे 17 मिनट को तोड़कर 4 घंटा 15 मिनट और 49 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया। जयपुर के कानोदा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सदस्य को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने गिरोह के एक जने को गिरफ्तार कर उसे चोरी की एक बाइक भी जब्त कर ली। इस दौरान आरोपी के 2 साथी भागने में सफल हो गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई वारदातों को कबूल किया है। आरोपी ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर 5 बाइक और 1 बलेरो चुराई है। बाड़मेर के समदड़ी में रामदेवरा यात्रियों के निःशुल्क मोबाइल कैंटीन में भक्त पूरी से भाव से सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को ठंडे पानी, जूस, चाय, बिस्किट और मेडिकल की निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने भीख मांगकर अपना विरोध जताया। राज्य सरकार की दयनीय हालत को देखते हुए रावतभाटा तहसील के सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने भिक्षा पात्र थाम कर राज्य सरकार की सहायता हेतु भीख मांगी। वहीं भीख से जो भी राशि एकत्रित हुई उससे राजकोष में जमा कराया जाएगा। दौसा की बांदीकुई में राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अंतिम दिन अध्यक्ष पद पर केवल 1 नामांकन रह जाने के कारण इंद्रजीत प्रभाकर को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 अगस्त को उदयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि सांसद सीपी जोशी ने सिंगोली से काटुंदा मोड़ तक 4 लेन सड़क बनाने की जरूरत को बताते हुए शीघ्र मंजूरी दिलाने का भरोसा दिलाया।
विशिष्ट अतिथि विधायक सुरेश ठाकर ने प्रधानमंत्री की उदयपुर में 29 अगस्त को प्रस्तावित रैली व कार्यक्रम में परंपरागत पोशाक धोती कुर्ता और पगड़ी में आने की बात कही। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम पंचायत मरजीवी के कदमाली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत 18 परिवारों को सरपंच राजपाल सिंह कदमाली ने निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। पूर्व सरपंच गंगाराम बंजारा, खेमराज तेजमल, गुरुलाल कचोड़, देवीलाल जयसिंह, रोड़ीलाल बंजारा व ग्रामवासी उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोटा स्टोन के समान ही निम्बाहेड़ा स्टोन पर भी 5% ही GST लगाए जाने पर पत्थरफर्शी व्यापारियों एवं इस उद्योग से जुड़े हजारों लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया। वहीं उद्योग संस्थान अध्यक्ष विशाल सोनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने GST के भ्रम को दूर करने व 5% GST लागू किए जाने के मामले में पूर्ण पैरवी करने पर स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य व खनिज मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह ईटी के प्रति आभार जताया। बाड़मेर के समदड़ी में द्वितीय व्रत स्तरीय 3 द्वीपदेशीय खेल प्रतियोगिता का विकास अधिकारी अतुल सोलंकी की अध्यक्षता में समापन हुआ। इस दौरान विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से जहां शारीरिक और मानसिक विकास होता है वहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है। छात्रों को बचपन से ही खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख बालाराम चौधरी ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों की ओर अग्रसर हों तथा इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। सीकर के लोसन में सुबह से हो रही बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। वे दुकानदारों व आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के कुचामन सिटी के आनंदपुरा राजकीय विद्यालय में भारी बारिश के बाद पानी के बीच गिर गया। पिछले काफी वर्षों से इस विद्यालय की ओर प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, जिसके चलते विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जान का खतरा है। धौलपुर की बसेड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। वही बैठक में संगठन को मजबूत बनाने में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को जोड़ने से लेकर जोर दिया। पूर्व प्रधान लाखन सिंह ने भाजपा को झूठे वादे करने वाली पार्टी बताया। खबर पंचायत में यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर अजमेर के विजयनगर से, जहां राजकीय बालिका विद्यालय में भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश कोकटा के तत्वावधान में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धौलपुर के बथेड़ी में जिला कलेक्टर सुचि त्यागी की स्वच्छता अभियान को लेकर सरपंच व सचिवों की बैठक की गई। साथ ही इस दौरान ऑनलाइन फीडिंग नहीं होने पर विकास अधिकारी को फटकार भी लगाई गई। अजमेर के पीसांगन में अनियंत्रित होकर सीमेंट का ट्रेलर सड़क छोड़कर खाई में उतर गया। गनीमत रही कि ट्रेलर नहीं पलटने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं आए दिन की दुर्घटना से ग्रामीणों में आक्रोश छा गया है और ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग रखी। ग्राम शिवपुरा में देव मंदिर के पास की घटना है। अजमेर के नसीराबाद में राजकीय चिकित्सालय में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। शराबी ने मरीज और परिजनों के साथ धक्का मुक्की भी। इस दौरान वो शराब की बोतल निकालकर शराब भी पीता रहा, जिस पर ड्यूटी चिकित्सक ने सिटी पुलिस को फोन कर दिया। बावजूद इसके पुलिस आधे घंटे बाद चिकित्सालय पहुंची। अजमेर के मसूदा में मंत्रालय कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अवकाश पर चल रहे हैं। वही कर्मचारी का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। चुरू के सरदार शहर वार्ड नंबर 14 के लोगों का गंदे पानी से काफी दिनों से आवागमन बाधित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका प्रशासन को कई बार अवगत करवाने पर भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। करौली के सपोटरा में SBI शाखा के ताले तोड़कर कैश ले जाने में चोर असफल रहे। वही बैंक शाखा खोलने के दौरान खुलासा हुआ। सपोटरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के ब्यावर में SD कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों की ओर से नाम वापस लेने पर ABVP के 3 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
वहीं केवल महासचिव पद के लिए नाम वापस नहीं लिए जाने के कारण 28 अगस्त को केवल एक पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। उधर एनएसयूआई के प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लिए जाने की जानकारी मिलने पर कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी एसडी कॉलेज पहुंचे तथा विरोध प्रदर्शन करने लगे। भीलवाड़ा के शाहबुआ में राजस्थान तैराकी संघ के तत्वाधान में तैराकी संघ की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 27 अगस्त तक होगा। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता में 14 जिलों के 172 तैराक भाग लेंगे। प्रतियोगिता के दौरान कुल 42 इवेंट होंगे। प्रतियोगिता का समापन 27 अगस्त को होगा। नागौर के कुचामन सिटी में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ तहसील के कर्मचारियों ने आंदोलन के आज 17वें दिन क्रमिक अनशन पर रहे। प्रवक्ता विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि कर्मचारियों के आंदोलन को अन्य संगठनों का निरंतर समर्थन प्राप्त हो रहा है और आंदोलन दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ रहा है। पाली की रानी में 7 करोड़ का लागत से नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय का शिक्षा राज्य मंत्री वसुदेव देवनानी ने विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री पाली सांसद पीपी चौधरी रहे। कार्यक्रम में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नागौर के मेटा सिटी में डीवाईएसपी मदनदान सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी रामदेव जाखड़ को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जाखड़ ढावा गांव का पटवारी था और दत्तानी गांव का कार्यभार भी उसे ही दिया गया था। दत्तानी गांव के रामनिवास व लिखमा राम से जमीन के नामांतरण को लेकर लंबे समय से रिश्वत की डिमांड कर रहा था। जोधपुर के शेरगढ़ में राज्य सरकार से 33 सूत्रीय मांग को लेकर जोधपुर के शेरगढ़ अस्पताल में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर मरीजों का उपचार किया। राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण तथा जनमानस के समर्थन के लिए चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। पाली के देसूरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा पाटियान के खिलाड़ी 62वीं खेल कूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर घर लौटने पर ग्रामीणों ने ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पालीवाल ने कहा कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो खेल को खेल की भावना से खेलता है। इस अवसर पर संस्था प्रधान देवासी ने कहा कि खेल बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, साथ ही उनका मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ उपखंड के गोपालपुरा टोल नाके पर क्षेत्र के लोगों का खस्ता हाल, सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गुस्सा है। यहाँ टोल शुल्क लेने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में हर्ष रोड पर चल रहे गौरव पथ निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही के कारण आए दिन पानी सप्लाई के पाइप टूट जाते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी लापरवाही के कारण सुबह हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। वहीं जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता चौहान ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पानी सप्लाई को बंद कर पानी को व्यर्थ बहाने से बचाया। बाड़मेर की सिवाना के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के पेश किए गए नामांकन को वापस लेने के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार काजल सेठिया का नामांकन पर अहस्ताक्षर होना व दस्तावेजों की कमी के कारण नियमानुसार निरस्त कर दिया गया। वहीं से 8 नामांकन पत्रों में से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने निर्धारित समय अवधि में नाम वापस दिए, जिससे 4 प्रत्याशी ही मैदान में रहे। नागौर के मेटा सिटी गांव नथावड़ी में कृषि कार्य करते हुए किसान की मौत हो गई। वहीं बेहोशी की हालत में ग्रामीणों ने पादुकला का अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर्स ने किसान को मृत घोषित कर दिया। नागौर के कुचामन सिटी में अजमेर आईजी मालिनी अग्रवाल ने कुचामन वृत्ताधिकारी कार्यालय में गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। राजसमंद के आमेट में जिला कलेक्टर के निर्देशन पर आज आमेट उपखंड अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए गणपति की बनाई गई प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल के नियम के तहत जब्त कर लिया। अचानक हुई कार्यवाही से मूर्तिकार के होश उड़ गए व परिवार में कोहराम मच गया। कुंभलगढ़ का मूर्तिकार प्रतिवर्ष आमेट में गणपति पर गणेश जी की मूर्तियां बनाकर अपना धंधा चलाता था। बारा के छपड़ा कस्बे में लगे मेले को हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। वहीं जादू टोना कर क्षेत्र में बारिश रोकने का आरोप भी लगाया गया। सिरोही की शिवगंज जवाई नदी में छिपावास मोहल्ले के पास बनी लपट पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गई आवाजाही से हादसे की आशंका बनी हुई है। पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के सदुलपुर में डेरा प्रमुख मामले में कोर्ट का फैसला सुनाए जाने का मामला तूर पकड़ता जा रहा है। सदुलपुर पुलिस सतर्कता दिखाते हुए गांव लसेड़ी के पास नाकाबंदी कर ली है। चूरू के रतनगढ़ में नगर पालिका द्वारा प्लास्टिक कैरीबैग्स के खिलाफ अभियान चला के शहर के मुख्य बाजारों में कार्रवाई की गई। वहीं 10 दुकानों पर 377 किलो प्लास्टिक थैलियां जब्त की गई। धौलपुर के राजोखेड़ा में वर्सला तक सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क खराब होने के कारण लोगों में आवागमन में
परेशानी हो रही है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कोटा के खैराबाद रामगंज मंडी नगर पालिका कार्यालय पर महिलाओं को क्रमिक अनशन पर बैठे हुए 4 दिन हो गए हैं। प्रशासन ने अभी तक इनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है। महिलाएं नामदेव कॉलोनी की है, जो अपनी कॉलोनी के रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गई है। हनुमानगढ़ के रावतसर शहर में लगातार बाइक चोरी होने की दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस उक्त घटनाओं का सुराग नहीं लगा पाई है। बाइक चोरी की एक और घटना वार्ड 24 में हुई। पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।